नोएडा रेव पार्टी केस में बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 विनर एल्विश यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव से कई बार पूछताछ की है और इस पूरे मामले में एल्विश यादव शुरू से लेकर अब तक अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस जो है वो एल्विश यादव को बख्शने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही है। आपको बता दें, नोएडा में रेव पार्टी कराने और उस पार्टी में सांपों का जहर नशे के तौर पर इस्तेमाल करने के आरोप में सबसे पहले एल्विश यादव का नाम सामने आया था। अब एल्विश यादव तो अपने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर फैंस से ये बोल चुके हैं कि इस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रेव पार्टी केस के अंदर सांपों का जहर के इस्तेमाल करने को लेकर एल्विश यादव को मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को बुलाकर कई घंटों तक पूछताछ की। अपने आप को निर्दोष बताते हुए हाल ही में एल्विश यादव ने कड़ी पूछताछ में पुलिस के सामने बॉलीवुड के फेमस सिंगर फाजिल पुरिया का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि पार्टीज में सांपों का जो इस्तेमाल किया जाता है, जो सांप अरेंज कराए गए, वो फाजिल पुरिया ने कराए थे। रेव पार्टी में कथित तौर पर सांप के जहर के इस्तेमाल के मामले में नोएडा पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 2 दिन की कस्टडी इन लोगों की और पुलिस को मिल चुकी है। अब पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर सबूत जुटाने की कोशिश करेगी। साथ ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव और आरोपी राहुल यादव का आमना सामना भी कराएगी। दोनों से इस मामले में पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें, राहुल यादव वो शख्स है जो कि इस पार्टी में एजेंट बताया जा रहा था, जिसने पार्टी के अंदर सांपों का जो जहर है उसको सप्लाई करने का काम किया। ऐसे में राहुल यादव की जो ऑडियो क्लिप सामने आई थी, उसमें एल्विश यादव का जिक्र किया गया था, जिसके बाद एल्विश की मुसीबतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नोएडा पुलिस ने मंगलवार को भी एल्विश यादव से 3 घंटे तक पूछताछ की थी। हालांकि इस दौरान एल्विश के खिलाफ कोई खास सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। बताया गया था कि एल्विश यादव से पुलिस गिरफ्तार आरोपी राहुल यादव के सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है। अब पुलिस को सभी आरोपियों की कस्टडी भी मिल गई है। पूरे मामले की बात करें तो आपको बता दें कि मेनका गांधी के एनजीओ पीएफ ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। इसके बाद एनिमल वेलफेयर ऑफिसर के जो पोजीशन पर जो ऑफिसर है गौरव गुप्ता, उन्होंने नोएडा पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। इसमें एल्विश का भी नाम था। गौरव ने बताया था कि नोएडा में इस तरीके की जो एक्टिविटीज चल रही है उसके लिए उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली थी। ये भी पता चला कि यूट्यूबर एल्विश यादव नोएडा एनसीआर के फार्म हाउस में कुछ लोगों के साथ मिलकर स्नेक वेनम और जिंदा सांपों के साथ वीडियो शूट कराते हैं। इसके साथ ही गैर कानूनी तौर पर रेव पार्टीज भी रखी जाती हैं, जिसमें जो एल्विश यादव है उनका भी हाथ है। अब जिस तरीके से एल्विश यादव का इस पूरे मामले में नाम आ रहा है, उसके बाद इतना तो तय है कि आने वाले टाइम के अंदर एल्विश यादव की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही हैं। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।